बीजेपी सांसद संगमित्रा मौर्य ने रामचरितमानस विवाद से पल्ला झाड़ लिया है। पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में पार्टी लाइन को तोड़ने के बाद वो फिर से बीजेपी की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कह रही हैं। इतना ही नहीं, अपने पिता के रामचरितमानस वाले विवाद पर सवाल पूछ रही हैं कि सारी चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं, इस पर इतना बवाल क्यों हो रहा है। संगमित्रा ने कहा कि अब इस विवाद को खत्म करिए, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है और मैं आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर बदायूं से दोबारा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हूं। इससे पहले बीजेपी सांसद संगमित्रा मौर्य के पिता और एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामायण को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने रामायण को बकवास कहा था, जिसके बाद संगमित्रा भी उनके समर्थन में आ गई, जिसके बाद ये अटकलें लगाई जाने लगी कि संगमित्रा अब समाजवादी पार्टी में जाने वाली हैं। तब संगमित्रा ने पिता के बयान का समर्थन करते हुए कहा था कि पिताजी ने रामचरितमानस को पढ़ा है, हालांकि मेरी संबंध में उनसे कोई बात नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने अगर एक चौपाई का उदाहरण दिया है तो शायद इसीलिए क्योंकि वो लाइन स्वयं भगवान राम के चरित्र के विपरीत है। पिताजी ने उस लाइन को संदेह की दृष्टि से देखकर स्पष्टीकरण मांगा है, तो हमें लगता है स्पष्टीकरण होना चाहिए। ये विषय मीडिया में बैठकर बहस करने का नहीं है, हमें लगता है कि ये विश्लेषण का विषय है। लेकिन सारी अटकलों को विराम देते हुए संगमित्रा ने अब स्पष्ट कर दिया है कि वो फिलहाल बीजेपी में ही रहेंगी और 2024 लोकसभा चुनाव बदायूं से लड़ेंगी। एमबीबीएस संगमित्रा मौर्य साल 2019 में भाजपा के टिकट पर बदायूं से लोकसभा की सांसद चुनी गई थी। चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के चचेरे भाई और बदायूं के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव को हराया था। संगमित्रा के ताज़ा बयान से उनके पिता अलग थलग पड़ते दिख रहे हैं। सवाल तो कई हैं, लेकिन फिलहाल बीजेपी खेमे में काफी राहत है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस डिजिटल।